सभी का। और जब इंडस्ट्री में हम आते हैं एज एन टेक्नीशियन काम करने, एज एन डायरेक्टर, तो हर किसी का सपना होता है उसे निरंतर काम मिले और अच्छे लोगों के साथ काम मिले। मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे मौके बहुत मिलते हैं बार बार काम करने के, अच्छे अच्छे लोगों से मिलने के। इसी क्रम में जब पहली फिल्म हम लोगों ने शुरू की थी, आपके ब्लेसिंग से शुरू की थी हमने, शायद 2-2.5 महीने पहले की बात है, और हमारी वो फिल्म कम्प्लीट द 100 बुक्स, और आज मैं बड़े प्राउड के साथ ये, बड़े गौरव के साथ ये आप लोगों के सामने अनाउंस कर रहा हूँ कि हम लोग आज अपनी दूसरी फिल्म का मुहूर्त किया है हम लोगों ने। इस फिल्म का नाम है कौन हो तुम। एक जैसा नाम से आपको उतना पता ही हुआ है, सस्पेंस थ्रिलर है ये फिल्म। और एज यूजुअल जैसे मेरी पुरानी फिल्म है, जो पिछली फिल्म है मेरी द 100 बक्स, सितंबर में फर्स्ट वीक में उसकी रिलीज एक्सपेक्टेड है, जिसका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रमोशन चल रहा है हम लोगों का। उस फिल्म को लीड कर रही थी कविता। इस फिल्म में भी जो मेरी फिल्म की जो लीड एक्ट्रेस हैं वो कविता हैं, और उनके साथ हम एक एडवर्ल्ड की दुनिया का अगर जाना माना और दिग्गज नाम कहें मिस्टर रविंद्र सिंह कोहर, तो रविंद्र मेरी फिल्म में हीरो हैं, और उनके साथ एक और हमारी इंडस्ट्री का जाना माना चेहरा, आप सब उनसे परिचित हैं, युवा फिल्म में आपने उन्हें देखा था, अभी तो परी पांडे हैं, उस समय इनका नाम पूनम पांडे था युवा फिल्म के समय पे, और इनसे मुलाकात हुई हम लोग की रविंद्र के थ्रू। तो मैंने इनसे बोला कि अगर हमारी फिल्म में आप कैरेक्टर करेंगे तो आई होप कि हम लोग को अच्छा लगेगा, आपको भी पसंद आएगा। तो शी इमीजिएटली सेड, नहीं दुष्यंत जी, डेफिनेटली आई लव टू डू। तो परी इज प्लेइंग लीड कैरेक्टर इन माय फिल्म, इनका पैरेलल कैरेक्टर है। और जो सबसे बड़ी शानदार प्रसन्नता की बात है, हमारे हरदिल अजीज मित्र, हमारी इंडस्ट्री के एक शानदार संगीत के नगीने संतोख सिंह जी, मेरी फिल्म 100 बक्स में भी संगीत संतोख सिंह का है, और इस फिल्म में पूरा संगीत संतोख सिंह जी का है। हालांकि ये कहते मैं एक ही गाना करूंगा एक फिल्म का, तो मैंने कहा नहीं, ऐसा है अभी पूरा गाने करने पड़ेंगे आपको फिल्म के। तो कौन हो तुम में जो संगीत है वो एक्सक्लूसिव संतोख सिंह जी का है, और दिल से मेरा हार्दिक आभार सबसे पहले मेरे ऊपर भरोसा जताने के लिए। हालांकि मेरे भाई हैं, लेकिन फिर भी जब आप काम करते हैं तो, और आप काम को रिकॉग्नाइज करके जब निरंतरता लाते हैं उसमें, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू विवेक तोमर जी, मेरी फिल्म द 100 बक्स के भी प्रोड्यूसर हैं और कौन हो तुम के भी प्रोड्यूसर हैं, और साथ में एक और मंची दुनिया का बड़ा नाम दिनेश बावरा जी, जिन्हें आप मंचों पर स्टैंड अप कॉमेडी शोज में टेलीविजन में देखते हैं, वो एज यूजुअल मेरी 100 बक्स में भी एक मुख्य किरदार था उनका, और इस फिल्म में भी एक मुख्य किरदार प्ले कर रहे हैं। तो मैं इतने अच्छे खूबसूरत बुके के साथ एक बार फिर आप सबके सामने हूँ, और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट फिर करूँगा कि जैसी ब्लेसिंग्स आपने रखी हैं हमारे साथ में, ऐसी हमेशा रखिए, और जैसा आपने प्यार द 100 बक्स को दिया या दे रहे हैं कंटिन्यू, वैसा प्यार आप इस फिल्म को भी दीजिए। और मैं, मुझे बड़ा प्राउड भी फील होता है कि 100 बक्स हमारे जो समकालीन जो फिल्में हैं, इस 2.5 महीने में जितनी भी फिल्में बनी हैं या जो उनका प्रचार है, तो शायद हम उस प्रचार में मीलों आगे हैं। और मैं हमेशा अपने इन सब साथियों से बोलता हूँ, सिर्फ इसलिए कि आप, मेरी ताकत आप सब हैं, कि अभी तो हम लोगों ने प्रचार शुरू भी नहीं किया, जब शुरू करेंगे तो आई होप कि हम लोग बहुत अच्छा एक मेस्मराइजिंग कैंपेन क्रिएट करेंगे पूरे हिंदुस्तान के सामने। तो अगेन मेरा दिल से थैंक यू वैभव भैया को सबसे पहले, बिकॉज ये हैं तो ये फिल्म स्टार्ट हुई है, फिर कविता को निरंतर मेरे साथ काम कर रहे हैं, फिर उसके बाद रविंद्र को, ऑलरेडी बहुत जाना माना नाम है विज्ञापन की दुनिया, जब मॉडल्स कोई फिल्म करने आते हैं और नए डायरेक्टर के साथ थोड़ा हिचकते हैं करने में वो, बट रविंद्र ने मुझे जरा भी नहीं पूछा कि भैया कैसे क्या, एंड ही इज वर्किंग विद मी। सेम मैं परी को भी थैंक्स बोलता हूँ, और सबसे बड़ा थैंक्स मेरे भाई, मेरे मित्र संतोख सिंह जी को, चन्ना वेगा राजा ने जैसा संगीत और इतना बड़ा काम करने के बाद वो हमारे साथ बड़े प्यार से काम करते, तो ये बड़ी बात है हम लोगों के लिए, इसे भी हम लोग अचीवमेंट मानते हैं। दिनेश जी का भी थैंक यू कि वो हमारे साथ हैं। इसमें ऐसा है कि एक लड़की की कहानी दिखाई गई, उसमें उसका हस्बैंड खो नहीं गया है, बदल गया है, मतलब सब लोग ऐसा बोल रहे हैं कि वही तुम्हारा हस्बैंड है, पर वो लड़की पहचानने से इनकार कर रही है कि नहीं, ये मेरा हस्बैंड नहीं है, मतलब वो अपने, वो खुद के हस्बैंड को वहाँ पे नहीं पाती है, जबकि सब लोग बोल रहे हैं कि नहीं वही तुम्हारा हस्बैंड है। तो ये एक थ्रिलर है कि किसकी सुने, मतलब पब्लिक देखेगी तो उनको लगेगा कि आखिर हो क्या रहा है, पत्नी की ही माननी चाहिए क्योंकि वो अपने पति को ज़्यादा अच्छे से पहचानती है, पर यहाँ पे लोग ज़्यादा भारी हैं, पुलिस वाले और नौकर और ये सब लोग ज़्यादा भारी हैं। ये लोग बोले नहीं है ये तुम्हारा हस्बैंड है, और ये मतलब यही कहानी पूरी दिखाई गई कि आखिर क्या हो रहा है ये।
कि ये अगर हस्बैंड है तो लड़की पहचानने से इनकार क्यों कर रही है? सर जो कविता ने बताया आपको कि स्टोरी तो ये सारी वैसे कि उसका हस्बैंड बदल गया है, उसको यही लगता है, या फिर उसको मतलब उसका मेडिसिन चल रहा है, या वो भूलने की बीमारी है, जबकि बदला ही नहीं, बदला है नहीं है उसका हस्बैंड, अब वो सारा चलता रहता है, तो वही एक सब्जेक्ट है और मतलब स्टोरी एक अलग ही है, मतलब जो नॉर्मल आप लोग देखते हैं थ्रिलर सस्पेंस होता है खुल जाते हैं, बट इसमें हर बार एक लेयर बनती जाएगी। और सबसे बेस्ट चीज़ है कि दुष्यंत सर जो ऑन द स्पॉट जो इनका माइंड चलता है वो एक अलग ही है, तो मुझे तो पर्सनली बहुत मज़ा आ रहा है काम करने में। और रही अब इन्वेस्टिगेशन का जो पार्ट आएगा परी पांडे, वो आप समझ ही जाओ कि कमाल करते हो पांडे जी, जो एक तड़का ये लगाने वाली हैं अपना वो अलग है। और मतलब सही बताऊँ तो मुझे मतलब एक एक्सपेक्टेशंस होती है कोई मूवी करने की, मेरे लिए बेस्ट है आई। और थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। पूनम से परी, यस, क्योंकि आपको पता ही होगा फिर वो जिस हिसाब से उन्होंने धूम मचा रखी है, तो मेरे पास और कोई ऑप्शन था नहीं, तो फाइनली मैंने अपना नाम चेंज किया और अभी परी पांडे के नाम से मैं आपके सामने आ गई। शक्ल वही है, सिर्फ नाम बदला है। इसमें जो कैरेक्टर है, सबसे पहले थैंक यू सो मच दुष्यंत जी मुझे यहाँ बुलाने के लिए, आई एम रियली थैंकफुल टू यू एंड रविंदर जिन्होंने मुझे दुष्यंत जी से मिलवाया, तो शायद वो नहीं मिलवाते तो मैं ये मूवी नहीं कर रही होती और ये केस जो है मुझे मिला हुआ है चुलबुली परी पांडे को, तो वो सॉल्व नहीं होता। तो आप ज़्यादा मैं कुछ नहीं बताऊँगी क्योंकि केस सॉल्व करना है, तो अब ये बता दूँगी कि कैसे सॉल्व करूँगी तो फिर सब कुछ खुल जाएगा। तो बस देखिए नए किरदार में, इंस्पेक्टर के किरदार में जो फर्स्ट टाइम मैं प्ले कर रही हूँ, तो लेट्स सी कैसा होता है। थैंक यू। पहली बार हो रहा है कि एक फिल्म में सारे कर चुका हूँ और ये मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ दुष्यंत साहब का कि उन्होंने मेरे को इतना भरोसा करके पूरी फिल्म सोलो म्यूजिक कंपोजर, तो यही उम्मीद करते हैं कि हम लोग बहुत अच्छा काम करें, बहुत अच्छा म्यूजिक बनाएं और पूरी टीम आप देखी रहे कि बहुत ही कमाल की एक्ट्रेस हैं और अच्छे टेक्नीशियंस हैं हमारे साथ में और उम्मीद है कि बहुत अच्छी फिल्म बनेगी। कितने गाने की पता है? अभी चार गाने तो होंगे सर जितनी की जरूरत हो। मूड क्या है चार गाने? मूड अभी डिसाइड किया नहीं है चीजें आने दीजिए और धीरे धीरे सब आपको पता चल जाएगा। पहली मूवी की है हमने, आपके सामने बड़ी जल्द आएगी और मुझे पूरी उम्मीद है जिस हिसाब से मेहनत हुई है उसमें और जिस हिसाब से स्टोरी लाइन्स थी उसकी, उसके बाद में फिर एक्साइटमेंट हुआ कि यस इफ दिस टीम कैन डू एंड आई ऑलवेज बिलीव दुष्यंत कि हाँ यस छोटा भाई है तो मुझे सपोर्ट करना ही है। दुष्यंत जी ने कहा कि भैया एक और मूवी इस तरह से है और इस तरह से कैरेक्टर्स होंगे उसमें, इस तरह से मेरे साथ में ये लोग पुराने मूवी के ये लोग फिर से इसमें जुड़ रहे हैं। मैंने बिना देर की मैंने बोला कि हाँ यस लेट्स डू दिस। बजट दुष्यंत जी को पता है सही पकड़ रहे हो, बजट दुष्यंत जी को पता है कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, उन्होंने बिलीव कर लिया ना, फिर हम लोग ने भी बिलीव कर दिया। अंत भला तो सब भला, मैं अंत में बोल रहा हूँ तो सब भला ही होगा। मैं कपड़े लगते से ही मैं नौकर लग रहा हूँ मेरे किरदार और नहीं ये तो बहुत सीनियर आर्टिस्ट है और इंडस्ट्री के ना हमारे पास ऐसी बात नहीं है। दुष्यंत सर एक मतलब ऐसे आदमी है कि जिनको जो आदेश करते हैं और हम लोग एक साथ वो बहुत सारी चीज़ें लेके चल रहे हो, इतनी शानदार टीम है ये पत्रकारों से, मतलब कि आप लोग आए हैं और आप लोगों को धन्यवाद। ना नहीं ठीक कोई बात नहीं, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। ये शिवरात्रि का मतलब सावन चल रहा तो भगवान की तीसरी आँख है आप लोग।
जो दिखाएंगे अच्छा दिखाएंगे। हाँ, मेरा कैरेक्टर सर ने जो है कॉमेडी रखा है, क्योंकि मैं मेरे 12-15 साल हो गए मुझे मंचों पर काम करते हुए, और मैं हंसाने के में ज़्यादा बिलीव करता हूँ, तो उसी चीज़ को अगर मैं अब मुझे दिया गया तो मैं उनको लगा कि बेहतर तरीके से मैं कर पाऊँगा। तो उन्होंने एक वासु कैरेक्टर है इसके अंदर जो कि मियाँ बीवी के झगड़े में मतलब पीसा पड़ा है, मतलब पत्नी कहती है कि मेरा हस्बैंड नहीं है, और ये कहते हैं कि तुम मानते नहीं हो, इन दोनों के चक्कर में जो हालत मेरी हुई है, तो पहले मैं दुबला पतला था, अब और हो जाऊँगा, मुझे जिम लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत शानदार स्टोरी है ऐसा मेरा मानना है, जितना भी मैं समझ पाया हूँ। और अभी आगे आगे आप देखिए होता है क्या, कौन हो तुम, ये अपने आप में बड़ी अच्छी फिल्म है। सारे लोगों का धन्यवाद करूंगा, और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। थैंक यू सर। मैं एक बार फिर आभार आप सबका, और हमारे साथ रहिए, हमें ऐसे ही प्रोत्साहित करते रहिए, अपनी ब्लेसिंग्स देते रहिए, एंड आई होप वी ऑल आर मेक यू प्राउड वन डे सर। और हम लोग थोड़ा प्रभु श्री राम जी पे काम करेंगे सर, ये तो